आज हमें देखना है द डिफरेंस बिटवीन यूजेस ऑफ हु एंड हुम। पर इसे देखने से पहले हम क्या समझेंगे, हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है हु इज़ द डूअर, जो डूअर होता है। फिर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई टास्क किया गया हो या जिसे कोई काम दिया गया हो। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जो काम को कर रहा है। द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज डन। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर आपका डिफरेंस क्लियर है तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ हु एंड व्हाट इज़ हुम। हु और हुम जब हम पढ़ते हैं तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में। मतलब वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस को बाकी पार्ट से रिलेट करते हैं। ओके, लाइक जब हम हु का यूज़ करते हैं, द डिफरेंसेस है, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन बट स्टिल दे आर यूज्ड डिफरेंटली। हाउ, जब हम हु का यूज़ करते हैं, मतलब व्हेन क्वेश्चन इज़ जनरेटेड बाय हु, तो आपका जो आंसर होता है ना वो होता है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। गॉट इट? जब आप हु से सवाल करते हैं तो आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब क्या होगा, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वहीं पे जब आप हुम से कोई सवाल करते हैं, मतलब हुम का यूज़ करके जब आप कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आपको जो जवाब मिलता है वो जवाब कैसा होता है, वो जवाब होता है इन ऑब्जेक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल, हु इज़ ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन का ऐसे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विथ हु। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। द आंसर इज़ मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट इज़ ऑन द स्क्रीन। तो मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वहीं पे लुक हियर, हुम डिड यू गिव माय नोटबुक, हुम डिड यू गिव माय नोटबुक। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर कहाँ मिल रहा है, आई गेव योर बुक टू योर मॉम, आई गेव योर बुक टू योर मॉम। कैन यू सी द डिफरेंस, कि जब हु से सवाल किया जवाब क्या था, सब्जेक्ट, जब हुम से सवाल किया तो जवाब क्या मिला, द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हु वॉन्ट्स मोर आइसक्रीम, अगेन जवाब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, तो ये रहा आपका जवाब, आई वॉन्ट मोर आइसक्रीम। नेक्स्ट, हुम आर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग माई स्कूल फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट। अगेन, हु वॉज वेटिंग फॉर यू, जवाब अ फ्रेंड, सब्जेक्ट। हुम विल यू सपोर्ट, जवाब आई विल सपोर्ट योर टीम, ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस समझ में आया, आपको हु का यूज कब करना है, जब आपका जवाब सब्जेक्ट में मिल रहा हो, और आपको हुम का यूज कब करना है, जब आपको जवाब ऑब्जेक्ट में मिल रहा हो। एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो जनरली जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जिसके ऊपर कोई एक्शन किया गया हो। सो आई होप द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।